हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका आज के इस अबैकस वीडियो ट्यूटोरियल में। आज के इस अबैकस वीडियो ट्यूटोरियल में हम प्रैक्टिस करेंगे बिग फ्रेंड्स नेगेटिव कंपोनेंट के हमारे फॉर्मूला -6 की। तो चलिए हम कुछ सम्स करके देखते हैं। हमारा सबसे पहला कैलकुलेशन है 8, 7, -6। तो सबसे पहले आप रॉड पर सेट करें 8। अब आपको करना है 7। तो 7 के लिए आप बिग फ्रेंड्स पॉजिटिव कॉम्पोनेंट के फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, +10, -3, आपकी 7 की वैल्यू आ गई। अब आपको करना है -6। तो -6 करने के लिए बिग फ्रेंड्स नेगेटिव कंपोनेंट का आपका फॉर्मूला है -10, +4, आपने किया -10, +4, इस तरह रॉड पर आपकी +6 की वैल्यू आ गई, आपका आंसर है 9। आपका नेक्स्ट कैलकुलेशन है 9, 6, -6। तो सबसे पहले आप रॉड पर सेट करें 9। अब आपको करना है 6। 6 करने के लिए आप +10, -4 कर सकते हैं। अब आपको करना है -6। -6 के लिए आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा बिग फ्रेंड्स नेगेटिव कंपोनेंट का, -10, +4, आपका आंसर है 9। आपका नेक्स्ट सम है 7, 9, 9, -6। तो सबसे पहले आप रॉड पर सेट करें 7। अब आपको करना है 9। 9 के लिए +10, -1, आपको वापस 9 चाहिए, +10, -1, अब आपको करना है -6। -6 करने के लिए आप -10 करें, +4 करें, आपका आंसर है 19। आपका नेक्स्ट कैलकुलेशन है 8, 8, 4, -6। तो सबसे पहले आप सेट करें 8। अब आपको करना है 8, +10, -2, आपकी 8 की वैल्यू आ गई। अब आपको करना है 4। 4 करने के लिए आप बिग फ्रेंड्स पॉजिटिव कंपोनेंट के फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, +10, -6, आपकी 4 की वैल्यू आ गई। अब आपको करना है -6। -6 करने के लिए आपको बिग फ्रेंड्स नेगेटिव कंपोनेंट के फॉर्मूले को पुट करना पड़ेगा, -10, +4, आपका आंसर है 14। तो अभी हमने सीखा कि किस तरह से हम बिग फ्रेंड्स नेगेटिव कंपोनेंट में -6 की वैल्यू को अबैकस रॉड पर पुट कर सकते हैं। अब इसी फॉर्मूला की हम प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट अबैकस पर। अब हम प्रैक्टिस करते हैं स्टूडेंट अबैकस पर -6 के फॉर्मूले को अप्लाई करना। हमारा सबसे पहला सम है 4, 6, 5, -6। तो सबसे पहले रॉड पे हमने सेट किया 4। अब हमें चाहिए 6। उसके लिए हमारा बिग फ्रेंड्स पॉजिटिव कॉम्पोनेंट का फॉर्मूला है +10, -4। अब हमें चाहिए 5। अब हमें चाहिए -6। तो -6 का हमारा फॉर्मूला है -10, +4, हमारा आंसर है 9। नाउ क्लीन योर अबैकस। हमारा नेक्स्ट सम है 6, 4, -6, 8। तो रॉड पे सबसे पहले आपने सेट किया 6। अब आपको चाहिए 4। तो 4 के लिए आपका फॉर्मूला है +10, -6। अब आपको चाहिए -6। तो -6 के लिए आप क्या करेंगे, -10, +4। अब आपको चाहिए 8। तो 8 के लिए आपका फॉर्मूला क्या है, +10, -2, आपका आंसर है 12। नाउ क्लीन योर अबैकस।